वेलकम बैक टू माय चैनल एमकेजी क्रिएशन। आज मैं आपको पोटली बटन कैसे बनाते हैं वो बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं। ये मैंने 2.5 इंच के कुछ पीसेस लिए हैं। ये देखिए 2.5, इनकी शेप जो है वो स्क्वेयर होनी चाहिए। पोटली बटन बनाने के लिए जो भी पीस यूज करेंगे उसका स्क्वेयर शेप लेंगे 2.5। अब हम इस पीस के 4 फोल्ड कर लेंगे ऐसे। 4 फोल्ड करने के बाद जो अंदर का ये ज्वाइनिंग वाला पार्ट है, यहाँ पे हम एक सेंटर पॉइंट लगाएंगे। और ये सेंटर पॉइंट आने के बाद इसको हम अपनी मशीन में रखेंगे। ये ऐसे नीडल को उसमें फंसा देना है, थ्रेड को नहीं डालना है। उस पे 1/2 इंच का आप एक मार्क लगाएंगे, 1/2 इंच सेंटर पॉइंट से 1/2 इंच मार्क लगाने के बाद आप इसको घुमाते रहिए। और एक इसका परफेक्ट सर्कल जो है वो रेडी हो जाएगा इसकी फिलिंग करने के लिए। ये देखिए जिसका सर्कल रेडी हो गया है, ये हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब हमने जो ये सर्कल बनाया है इस पे हम सिलाई करेंगे। और हमारे जो सिलाई है उसको सबसे बड़े टाके पे रखेंगे। ये देखिए हमारा सर्कल रेडी हो गया है। अब जो ये व्हाइट कलर का धागा है ये मैंने इसलिए यूज किया था क्योंकि मेरा कपड़ा जो था वो डार्क कलर का था और आपको सर्कल आसानी से दिख जाए। व्हाइट कलर के धागे को इसमें ऐसे अंदर रख दीजिए। और बटन बनाने के लिए आप ऐसे वाला स्पंज यूज कर सकते हैं ये। और अगर आपके पास स्पंज अवेलेबल नहीं है तो आप कपड़े के कटआउट्स भी यूज कर सकते हैं आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग। अब इसको यहाँ ऐसे गोल गोल करके एक राउंड शेप देनी है और इसके अंदर रखना है और ऊपर के साइड से ऐसे पकड़ लेना है। अब इसको पहले थोड़ा सा राउंड शेप दे दीजिए अच्छे से। ये देखिए इसकी शेप आ गई है बिल्कुल परफेक्ट। अब ये जो सिलाई वाले 2 धागे हैं इनमें से छोटे वाले धागे को आप पकड़ लीजिए और बड़े वाला जो धागा है उससे इसको थोड़ा सा खींचिए और उसको राउंड राउंड नॉट लगा दीजिए। 3-4 राउंड देने के बाद इसकी नॉट बना दीजिए ऐसे। ये देखिए पोटली बटन बनकर रेडी हो गया है। और अब आपका जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको कट कर दीजिए। ये देखिए ये हमारा पोटली बटन बिल्कुल रेडी हो गया और इसकी बिल्कुल परफेक्ट शेप आई है। ये ऐसे ही मैंने कुछ बटन्स रेडी किए हैं, ये देखिए। आप भी इन्हें घर पे रेडी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप इसमें स्पंज यूज करें। अगर आपके पास स्पंज अवेलेबल नहीं है तो आप कपड़े के ऐसे पतले पतले बारीक बारीक कट करके वो भी फिल कर सकते हैं। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम टू वॉच माई वीडियो।